सब्सक्राइब कीजिए इंडिगो न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। दोस्तों, आप मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2019 का विजेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हर ओवर के साथ पलड़ा बदल रहा था, लेकिन अंत में जाकर मुंबई को इस मैच में जीत हासिल हुई। मुंबई को मैच से पहले सबसे बड़ा झटका लगा जब कप्तान रोहित शर्मा चोटिल होने के कारण इस मैच से बाहर हो गए और उनकी जगह केरन पोलार्ड ने ये जिम्मेदारी संभाली। केरन पोलार्ड ने टॉस जीतने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पंजाब के लिए ओपनर बल्लेबाज क्रिस गेल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की। क्रिस गेल ने 36 गेंदों में 63 रन की शानदार पारी खेली, वहीं केएल राहुल अंत तक टिके रहे, आखिरी ओवर में अपना शतक पूरा कर लिया। केएल राहुल ने 64 गेंदों में 100 रन की शानदार पारी खेली और पंजाब को 4 विकेट के नुकसान पर 157 रन का विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। इसके जवाब में मुंबई की टीम की स्थिति काफी खराब दिख रही थी। हालांकि कप्तान केरन पोलार्ड ने एक छोर पर खड़े रहकर टीम की जीत की उम्मीदें जगाई रखी। अंतिम ओवर में मुंबई को जीत के लिए 15 रन बनाने थे और जिसमें से आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने थे। इस गेंद पर जोसेफ ने सीधा शॉट जड़कर 2 रन लिए और टीम को 3 विकेट से जीत दिला दी। पोलार्ड ने इस मैच जीता पारी खेलते हुए 31 गेंद में 87 रनों की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 10 छक्के भी जड़ दिए। उन्हें इस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में? क्या मुंबई इंडियंस आईपीएल 2019 का खिताब जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।